एक चीज और यहाँ पर आपको देख सकते हो, सबसे खास बात क्या है इसकी, आप बटन से फैन की स्पीड, टाटा में सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है और मैं दिखा देता हूँ भाई, बहुत जबरदस्त चीज है। शार्प टर्न वगैरह लेता हूँ तो मुझे सीट। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पंच ICNG के बारे में। नो डाउट यार, ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो आपको काफी सारी चीजें प्रोवाइड करती है। सेफ्टी चाहिए 5 स्टार ले लो, बूट स्पेस चाहिए वो भी मिलेगा, लुक्स चाहिए नो डाउट यार वो भी मिलेगी, सनरूफ चाहिए क्या वो भी आपको ये गाड़ी देने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो लेके हम आते रहते हैं। तो ज्यादा समय खराब ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो बात कर लेते हैं फ्रंट की। फ्रंट आप देख सकते हो काफी अच्छा, काफी नो डाउट यार गुड लुकिंग फ्रंट इसके अंदर आपको मिलने वाला है टाटा की तरफ से, और टाटा का लोगो इसके अंदर आपको मिल जाता है। वहीं साइड में अगर मैं बात करता हूँ, पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल करके दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है ट्राई एरो शेप में, स्पेस मिलता है भाई टाटा के अंदर, हर चीज ट्राई एरो है। और ये देख सकते हो पीछे हॉर्न मिल जाता है इसके। बात करते हैं यहाँ पर आपको देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाले इंडिकेटर्स जो कि हेलोजन के मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आपको DRL मिल जाती है। क्रोम का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो कुछ इस तरह एक एज से लेके दूसरे एज तक क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पर मिल जाता है। वहीं आप नीचे की बात करते हैं तो आपको हेडलैम्प जो मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर हेलोजन प्लस हेलोजन मिलने वाले हैं, ये लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए है, कुछ इस तरह मिलेंगे। यहाँ पर आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं, अगेन हेलोजन का सेटअप रहने वाला है फॉग लैंप का। यहाँ पर आपको टोइंग के लिए मिलने वाला है टोइंग हुक प्लस, अगर मैं बात करता हूँ ए डैम की तो भाई काफी बड़ा ए डैम मिल जाता है जिसके अंदर ट्रायरो शेप का इस्तेमाल करके दिया हुआ है टाटा की तरफ से। तो नो डाउट टाटा की तरफ से ट्रायरो का भर भर के इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हो कंप्लीट फ्रंट कुछ इस तरह मिलने वाला है टाटा पंच ICNG की। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह मिलने वाली है टाटा पंच ICNG की, जिसकी लेंथ की बात करते हैं 3827 इसकी लेंथ आपको मिलने वाली है। हाइट की बात करें तो 1615 इसके अंदर आपको हाइट मिल जाएगी। व्हील बेस अगेन काफी अच्छा मिलने वाला है आपको, 2445mm का व्हील बेस मिल जाता है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो गाड़ी के अंदर आपको 187 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली, जो कि नो डाउट काफी अच्छी मिलने वाली। इवन खराब रोडों पे जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको काफी आसानी से वो पार कर लोगे उन रोडों को। बात करते हैं टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाला है। जिसकी प्रोफाइल की बात करता हूँ 195/60R16 इसके अंदर आपको टायर प्रोफाइल मिलने वाला है। अलॉय की बात करते हैं, डुअल टोन का इस्तेमाल मिल जाता है, बीच में टाटा का लोगो इसके अंदर मिलने वाला है। वहीं ए पिलर की बात करें, ए पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश टेपिंग के साथ मिलेगा, बी पिलर भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलने वाला है, सी पिलर पे भी मैट ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल करके दिया हुआ है। फ्यूल टैंक की बात करते हैं, 37 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको मिलने वाला है। वहीं ऊपर की तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रूफ रेल मिलने वाली है, फंक्शनल नहीं है लुक्स के लिए, लेकिन लगती अच्छी है। सनरूफ अगेन आपको मिल जाता है यहाँ पे। और वहीं पीछे की बात करें रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह मिलने वाली है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटेना, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिलने वाला है यहाँ पर आपको, और वोकल फॉर लोकल का स्टिकर यहाँ पे मिल जाता है, CNG का स्टिकर यहाँ पे मिलने वाला है आपको, एक छोटा सा राइनोसोर भी यहाँ पे आपको बना हुआ मिल जाएगा, टाटा का लोगो यहाँ पे मिलने वाला है आपको कुछ इस तरह, और रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर मिल जाता है जस्ट नीचे, काफी बड़ा पंच लिखा हुआ है यहाँ पे। ICNG की बैजिंग यहाँ पे मिलने वाली है आपको। और बात करते हैं टेल लैंप के, टेल लैंप आपको कुछ इस तरह मिलने वाले। ये वाला LED का सेटअप है, ये आपको हेलोजन के साथ मिल जाते हैं इंडिकेटर, और ये आप देख सकते हैं ये रिवर्स लाइट के लिए है। बेस मॉडल की बात करता हूँ, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर मिलती है, टॉप मॉडल में रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये कुछ समझ नहीं आया। एनीवे ट्रायरो का इस्तेमाल अगेन यहाँ पे मिल जाता है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ, ये है रिफ्लेक्टर, और दो पार्किंग सेंसर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं गाड़ी के अंदर। आइए बात करते हैं मेन चीज की इस गाड़ी की, वो है अपना बूट स्पेस। भाई बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन बूट स्पेस तो हर गाड़ी में मिलता है, इसमें क्या खास है? इसमें खास है अपना CNG भी मिलती है। देख सकते हो काफी बड़े बैग इसके अंदर रख के दिखाए हुए हैं यहाँ पे इनको, जैसे मैं हटाता हूं तो ये देख सकते हो इतना बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। लीटर में बात करते हैं 210 लीटर का बूट स्पेस है यहाँ पर आपको। नीचे की तरफ दो सिलेंडर मिल जाते हैं जो कि 30-30 लीटर के हैं, और यहाँ पर आपको ये भी दिया हुआ है कुछ फ्लैप मैनुअली बंद करने के लिए, इस पर मना किया हुआ है सामान रखने के लिए बाय द वे, तो इस पोर्शन से इतना इतना इस्तेमाल करें इस बूट को अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो। एक चीज और यहाँ पर आपको देख सकते हो हुक मिल जाता है जिसके ऊपर 1 किलो का कुछ भी आप लटका सकते हो, दोनों ही तरफ मिलता है। और यहाँ पर आपको लगेज लैंप भी मिलने वाला है कुछ इस तरह, सामान रख के देख लेते हैं दोबारा, तो आप देख सकते हो। तो आप
आपको स्पेस नो डाउट यार काफी अच्छा मिलता है। इवन अगर मैं इसको थोड़ा नीचे और करूँ तो अभी भी स्पेस है अपने पास। और ये जो पार्सल ट्रे 100% डिटैचेबल है, आप इसको हटा सकते हैं, हटाने के बाद और ऊपर तक इस्तेमाल कर सकते हैं इस बूट को, तो ये काफी अच्छी चीज है टाटा की तरफ से हुई है। और अगर बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की, तो ड्राइवर साइड डोर आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाला है। इसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है लॉक अनलॉक के लिए। और टाटा में सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, ये देखो 90 डिग्री पे आप इस डोर को ओपन कर सकते हो। इवन ये ही नहीं, पीछे वाली डोर भी आप 90 डिग्री पे ओपन कर सकते हो कुछ इस तरह, तो इनग्रेस और एग्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करते हैं अंदर से इस डोर की, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक, बॉटल होल्डर मिलने वाला है आपको यहाँ पर, अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, और यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाते हैं, और नीचे आपको यहाँ पर स्पीकर मिलने वाले हैं। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, और यहाँ पर फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन हुड ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इंजन की। 2.2 लीटर का इसके अंदर रेवट्रॉन इंजन आपको मिलने वाला है, और हुड इंसुलेटर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। पावर की बात करते हैं तो आप पावर इसके अंदर आपको 73.5 पीएस इसके अंदर आपको मिलने वाली है सीएनजी के साथ है। पेट्रोल के साथ आपको 87.8 की मिलती है। टॉर्क की बात करते हैं, सीएनजी के साथ आपको 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, पेट्रोल के साथ 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके अंदर मिलने वाला है। वारंटी इसके अंदर आपको मिलती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल 1.25 लाख किलोमीटर तक, तो ये काफी अच्छी चीज है टाटा पंच के साथ। तो गाइज ये थी वीडियो एक्सटीरियर की और अपना इंजन वगैरह की। अब बात करते हैं इंटीरियर की, लेट्स गो गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाला है आपको। डी कट स्टीयरिंग मिलता है, बाय द वे 3 स्पोक स्टीयरिंग है, जिसके अंदर आपको सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल करके दिया हुआ है, और यहाँ पर आप वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं, फोन पिक एंड कट कर सकते हो यहाँ से। और ये टिल्टेबल स्टीयरिंग है, आप जस्ट यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे और टिल्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। टेलीस्कोपिक इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला। और ये आप देख सकते हो लाइट्स के वाइपर के कंट्रोल है लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर और लाइट्स के कंट्रोल कुछ इस तरह। बाकी अगर मैं बात करता हूँ पुश बटन की, यहाँ पे आपको पुश बटन मिलने वाला है, जिसके सराउंडिंग में इल्यूमिनेशन मिलने वाली है, और ये फॉग लैंप ऑन ऑफ करने के लिए। सीएनजी का बटन मिलता है गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है। तो पहले हम इसको ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिलता है, कंप्लीट डिजिटल है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे मिलती है सीएनजी का लेवल की सीएनजी कितनी है, और फ्यूल लेवल मिल जाता है यहाँ पे, फ्यूल कितना मिलने वाला है। स्पीड इसके अंदर आपको बताता है डिजिटली, और ये 2 बटन से आप टाइम वगैरह और ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह सेट कर सकते हो कुछ इस तरह। ये आप देख सकते हो ऑडोमीटर ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है डे नाइट आईआर भी मिल जाता है, मैनुअली आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिलने वाला है, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। एक चीज ये देख सकते हो यहाँ पर आपको डैश कैम भी मिल रहा है, ये बेसिकली गाड़ी के साथ नहीं आता, ये एसेसरीज का पार्ट है, तो आप इसको लगा सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सनरूफ इसके अंदर आपको ऑब्वियसली मिलने वाली है, जिसको जिसका नीचे का पोर्शन आप मैनुअली ओपन और क्लोज कर सकते हो। सनरूफ ओपन करने के लिए आप इस बटन से ओपन कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हो काफी बड़ी सनरूफ है, टाटा पंच आईसीएनजी के साथ सनरूफ आपको मिलने वाली है। तो यार आपको ना लग्जरी फीचर्स और इकोनॉमी बिल्कुल मिलने वाली है, क्योंकि सीएनजी से आप रनिंग कॉस्ट अपनी कम होने वाली है, और फीचर्स तो भर भर के मिलने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो हरमन का इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, और 7 इंचेस की आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसका टच काफी अच्छा है, नो डाउट काफी अच्छा टच इसके अंदर आपको मिलने वाला है। इसका टच अच्छा है अदर टाटा की कार से, थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है नो डाउट। 1000 लाइट ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है, और ये सिल्वर फिनिश आपको इस्तेमाल मिल जाता है एसी वेंट्स के ऊपर कुछ इस तरह, वाइट ब्लैक ब्राउन अगेन ब्लैक, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह इंटीरियर में इस्तेमाल किया हुआ है डैशबोर्ड में स्पेशली। तो यहाँ पर टायरों का इस्तेमाल मिल जाता है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह, हार्ड प्लास्टिक है, और लेकिन इनको टच करने का फील बिल्कुल अलग अलग है। ग्लोव बॉक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है, और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है अलग से कुछ इस तरह। बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एसी कंट्रोल्स की, तो ये काफी अच्छे हैं, ये आप देख सकते हो जैसे मैं ठंडी गर्म करता हूँ मतलब कूल एयर की तरफ, तो साइड लाइट जल जाएंगी, और हॉट की तरफ ये इधर की जल जाएंगी। और
आप बटन से फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पर अदर है जैसे आपको लेग में चाहिए या फिर डिफोगर ऑन करना है तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी ये डैश कैम जो लगा हुआ है उसको उसके लिए लगा हुआ है। यहाँ पर 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी मिल जाता है अपने को, टाइप सी भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है, स्पेस मिल जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह। गियर लीवर की बात करते हैं तो 5 फ्रंट 1 रिवर्स इसके अंदर आपको गियर्स मिलने वाले हैं, और पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया हुआ है, बाकी सिल्वर फिनिश नीचे की तरफ इस्तेमाल किया हुआ है। कीज की बात करते हैं तो कीज इसके अंदर आपको 2 मिलने वाली है, दोनों ही रिमोट की मिलने वाली है, पैसिव एंट्री के साथ, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक और लाइट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प का आपको ऑप्शन मिल जाते हैं दोनों की में, और पीछे की तरफ आपको टाटा का लोगो मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के इस्तेमाल के साथ मिलने वाली है। वहीं यहाँ पर भी अपने को एक यूएसबी के लिए मिल जाता है, जिसकी आउटपुट की बात करते हैं 2.4 इसके अंदर आपको आउटपुट मिलने वाली है। 2 कप होल्डर इसके अंदर मिल जाते हैं कुछ इस तरह, छोटे बड़े मिल जाते हैं, साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलने वाला है आपको। एक चीज और मैं दिखा देता हूँ भाई, बहुत जबरदस्त चीज है, फ्रंट में आपको हैंड रेस्ट मिलने वाले हैं, नो डाउट यार काफी अच्छी चीज है ये, हैंड रेस्ट मिल जाते हैं। यूजुअली मैंने इस सेगमेंट में आपको हैंड रेस्ट नहीं देखने के लिए मिले, अगर किसी गाड़ी में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे लिए तो फर्स्ट इन सेगमेंट है। बाकी अगर बात करते हैं सीट्स की तो भाई सीट्स आप देख सकते हो काफी अच्छी, इसके अंदर आपको कुशनिंग मिलने वाली है, फैब्रिक सीट मिलने वाली है, व्हाइट स्टिचिंग के साथ मिलती है, तो और मैं जैसे बैठा हूँ गाड़ी के अंदर तो ये चीज काफी अच्छी है, मतलब आगे की तरफ है तो मतलब आप जैसे ड्राइव करोगे ना, जैसे मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ हूँ तो ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद जैसे मैं अगर शार्प टर्न वगैरह लेता हूँ तो मुझे सीट पकड़ के रखती है, तो ये सीट मतलब सीट्स काफी अच्छी है नो डाउट। बात करते हैं एयरबैग की, तो भाई एयरबैग इसके अंदर आपको मिलते हैं 2, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, ये आपको एयरबैग इसके अंदर मिलने वाले हैं कुछ इस तरह। तो ये रही आगे की वीडियो, आई होप सारी चीजें दिखा दी हैं, अब चलते हैं। एक चीज और भूल गया यार, आपको आगे की तरफ यहाँ पे केबिन लाइट मिलती है व्हाइट कलर की। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ये ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड की तरफ की हो गई है, अब चलते हैं पैसेंजर साइड, लेट्स गो। साइड में सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड डोर की, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाला है आपको। ओपन करने के लिए इस डोर को यहाँ पर आपको हैंडल दिया हुआ है ओपन करने के लिए कुछ इस तरह, और सबसे खास बात क्या है इसकी, 90 डिग्री पे आप इस डोर को ओपन कर सकते हो, तो इंग्रेस और एग्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में बुजुर्ग वगैरह हैं तो वो भी आराम से बैठ सकते हैं और उतर सकते हैं इस गाड़ी से। और बात करते हैं इसमें कंट्रोल्स की, तो भैया एक बटन मिलता है आपको विंडो कंट्रोल का यहाँ पर, और ड्यूल टोन का इस्तेमाल किया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल है यहाँ पर। बोतल होल्डर आपको मिल जाता है और स्पेस कुछ इस तरह मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्पीकर मिलता है डोर के अंदर, स्पेस कुछ इस तरह मिलने वाला है रियर पैसेंजर्स के लिए। टाटा पंच ICNG के अंदर जिसमें मैं बैठ के देखता हूँ तो ये सीट है मतलब पूरी पीछे है, और मेरी हाइट 5'8" है, आप देख सकते हो मुझे स्पेस कुछ इस तरह मिलने वाला है, पूरी पीछे करके कोई नहीं चलाता, थोड़ा सा स्पेस मुझे अच्छा खासा मिल जाएगा जब इसको आगे करूँगा, अभी भी मुझे काफ़ी मिला हुआ है तो नो डाउट यार स्पेस वगैरह मिल जाता है। पीछे हेडरेस्ट की बात करता हूँ तो हेडरेस्ट फिक्स है, तो ये आप देख सकते हो आगे के हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं कुछ इस तरह, जो एडजस्ट कर सकते हो आप, बीच में हैंडरेस्ट नहीं आता, उसकी कमी रहने वाली है। स्पेस आप मुझे थाई सपोर्ट वगैरह मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर अच्छा खासा। और ग्रैब हैंडल्स की बात करता हूँ तो अंदर को अंदर की तरफ दिए हुए हैं कुछ इस तरह, नो डाउट एक हुक भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये देख सकते हो आप कंप्लीट वॉक अराउंड है गाड़ी का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय गाइज।